हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको जियो प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स बताने वाली हूँ, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। अब क्या होता है ना, कभी कभी हमें सिर्फ डाटा रिचार्ज चाहिए या फिर हमें कॉलिंग रिचार्ज चाहिए या फिर मैसेजेस चाहिए, बस ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, सारा हमें पैकेज नहीं चाहिए होता। और अगर पैकेज चाहिए होता तो उसके बारे में भी डिटेल्स नहीं होती कि हमें कौन सा पैक लेना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप रिचार्ज कराने जाओ अपना फेवरेट, मतलब आपको जिसका नीड है वही आप रिचार्ज कराओ, फालतू के रिचार्ज मत कराओ जिसमें जो, अगर जैसे कि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तब भी आपको नेट वाला रिचार्ज कराना पड़ रहा है, बिकॉज उसके अंदर सारी चीजें थी। अब नेट भी है पर वो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आपके घर में तो वाईफाई आप यूज ही नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी बेस्ट प्लान्स हैं। तो सारी की सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सिंपल सा है, कैसे आप चेक कर सकते हो, आप अपने फ़ोन में भी जियो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लैपी में भी देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइलिटी वाले में एंड यहाँ पे प्लान्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सारे प्लान्स आपके सामने आ जाएंगे, सबसे पहले हैं यहाँ पे पॉपुलर प्लान्स। तो पॉपुलर प्लान्स में यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ऊपर आ रहा है 2599 का, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मेंबरशिप भी मिल रहा है। एंड उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, ये तो है 365 का, मतलब कि पूरे ईयर का पैक है। एंड इसके अंदर आपको 2GB पर डे मिलेगा, तो ये 2GB पर डे वाले सारे प्लान्स हैं, जिसके अंदर आपको 2599 में 365 डेज का पूरा पैकेज है और 740GB आपको मिलेगा डाटा एंड 2GB पर डे आपको मिल रहा है एंड 10GB एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एंड यहाँ पे 12,000 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, जो कि नॉन जियो यूज़ करते हो आप लोग। जियो टू जियो फ्री है, ये आपको पता है, नॉन जियो के लिए मिनट्स आपको मिलते हैं, तो उसमें आपको 12,000 मिनट्स मिल रहे हैं एंड SMS आपको मिलेंगे अनलिमिटेड, पर 100 मैसेज ही आप एक दिन में यूज़ कर सकते हो। एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन आपको जो मिल रहा है जियो प्लस हॉटस्टार का, जिसकी वॉर्थ है 399, बट यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, 1 ईयर का है ये। एंड उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे नीचे जाना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि 2399 का यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसके अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपको नहीं मिलेगा, तो यही वाले प्लान में आपको मिलेगा। एंड 84 डेज का अगर आप देखना चाहो, जो कि हम लोग नॉर्मली कराते ही हैं, तो 599 का आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आपको 2GB डाटा मिल रहा है पर डे के हिसाब से एंड यहाँ पे 3000 मिनट्स आपको मिलेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं है। वो तो सारे जो भी है जियो ऐप वगैरह होते हैं उसका मिलता है, जैसे जियो सिनेमा वगैरह। एंड सबसे छोटा रिचार्ज 2GB वाले में 249 का, जो कि 28 डेज का है, 56GB आपको यहाँ पे मिलेगा एंड मिनट्स आपको कितने मिले, 1000 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब क्या होता है ना, 2GB जो बिल्कुल भी वाईफाई यूज़ नहीं करते उन लोगों के लिए तो सही है, बट यहाँ पे 1.5GB वाले भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, जिनको ज़्यादा नहीं करना होता है, तो 1.5GB वाले में भी यहाँ पे बहुत सारे रिचार्ज है। देख सकते हो कि जो हम लोग मैक्सिमम 84 डेज का कराते हैं, तो यहाँ पे 555 में 84 डेज का मिल जाता है आपको, जो कि 1.5GB आपको पर डे मिलता है एंड उसमें 3000 मिनट्स आपको मिलते हैं, तो ये 1.5GB वाले हैं। एंड अगर आप 1GB वाला लेना चाहते हो, जिसमें आपको डाटा कम यूज़ करना है, तो 1GB वाले में आपको सिर्फ एक ही प्लान मिल रहा है, जो कि 24 डेज का है एंड यहाँ पे आपको 24GB मिल रहा है, जो कि 1GB पर डे मिलेगा। एंड देखा जाए तो आपको 300 मिनट यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि मंथली के हिसाब से हैं, तो और 100 मिनट्स आपको मिल रहे हैं डेली के। एंड अगर आप कुछ ज़्यादा ही नेट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे 3GB वाला प्लान भी यहाँ पे दे रखा है, जो कि सबसे छोटा जो प्लान है 28 डेज का है, जो कि 401 रुपये का है। अब इसमें सिर्फ दो ही प्लान्स में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मेंबरशिप मिल रही है, एक जो सबसे ईयरली वाला था और एक 3GB वाला है। तो ये अगर आप 401 वाला भी कराते हो तो इसमें भी आपको फ्री मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 90GB मिल रही है, जो कि 3GB पर डे के हिसाब से मिल रही है, प्लस 6GB आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा और यहाँ पे 1000 मिनट्स मिल रहे हैं आपको एक्स्ट्रा एंड 100 मिनट्स जो आपको मैसेजेस जो आपको देते हैं पर डे के हिसाब से। एंड अगर आप 84 डेज का कराना चाहते हो तो 999 का यहाँ पे 84 डेज का भी है और यहाँ पे देख सकते हो कि 28 डेज का भी यहाँ पे दे रखा है एक 349 का। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर बस ये डिफरेंस है कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप नहीं मिल रही है। अब ये तो है, अब एक बार हम लोग लॉन्ग टर्म पैक्स देख लेते हैं। अब तो ये प्रीपेड बता रही हूँ मैं आपको सारे के सारे, तो अभी ये प्रीपेड ही चल रहे हैं। तो प्रीपेड में एक है यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला है,
जो कि 360 डेज का है। अब ये है 5000 का, मतलब कि 4999 रुपए का। अब इसके अंदर 350 GB आपको मिल रही है। अब ये किस हिसाब से मिल रही है वो हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हो आप, ये जो आपकी स्पीड है ना 350 GB, ये आपकी जो अनलिमिटेड स्पीड है 64 KBPS की आएगी अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको 12000 मिनट मिल रहे हैं, तो ये सही है क्योंकि डेज़ के हिसाब से मिल रहे हैं, 360 डेज़ के हिसाब से हैं और GB है 350, तो उस हिसाब से आपको डाटा दिया गया है, स्पीड देख सकते हैं आप। तो ये है आपका लॉन्ग टर्म वाला। तो अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब पूरे साल का लेना चाहते हो तो सही है, पूरे साल का ले लो आप एक बार में ख़त्म। एंड उसके बाद अगर हम बात करें डिज्नी प्लस हॉट स्टार की मेंबरशिप वालों की, तो मैंने आपको बताया था रिचार्ज, अभी हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से रिचार्ज में आपको मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक 401 वाले में मिल रहा है आपको और एक है 2599 रुपए वाले में आपको ये मिल रहे हैं डिज्नी प्लस हॉट स्टार की। अब ऐड ऑन डाटा पैक का देख सकते हो कि डाटा ऐड ऑन पैक्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें आपके क्या होता है आपको एक्स्ट्रा पैक इसमें ऐड कराने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे 1208 रुपये का है, 240 डेज का है एंड इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार तो मिल रहा है, और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे 30 डेज़ का साइकिल है, ये सिर्फ 30 डेज़ के लिए है और 240 GB आपको मिल रही है। 30 GB यहाँ पे आपको पर डे पर साइकिल के हिसाब से मिल रही हैं। तो ये सारे रिचार्ज भी यहाँ पे डाटा ऐड ऑन वाले हैं, कि जैसे कि जिनको ज़्यादा डाटा चाहिए होता है ऑफिस वर्क वगैरह के लिए, तो उन लोगों के लिए है ये। अब जियो फ़ोन का भी अलग से इन लोगों ने रिचार्ज दे रखे हैं, कि जियो फ़ोन का अगर आप देखना चाहो, ये सारे के सारे जियो ऑल इन वन प्लान्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा प्लान है 185 रुपीज़ का, जो कि 28 डेज़ के लिए और 56 GB आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड क्या क्या कैसे मिल रहा है आपको ये देख सकते हैं, आपकी जो वैलिड है 28 डेज़ के 2 GB पर डे आपको मिल रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको 500 मिनट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि आपको डाटा भी मिल रहा है एंड आपके डेज भी सही है। बट अगर देखो जिसके घर में ऑलरेडी वाईफाई है, उनको डाटा से मतलब है ही नहीं, उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए जियो टू जियो कॉलिंग और थोड़े से मिनट चाहिए जो एक दो इधर उधर कॉल करने के लिए हैं, तो उनके लिए 75 रुपीज़ वाला प्लान सही है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था पहले, तो मैंने भी रिचार्ज करा लिया, जो कि वेस्ट ऑफ मनी था क्योंकि मेरे घर में वाईफाई है तो मैं यूज़ ही नहीं करती नेट। उसके लिए ये चीज़ें सही है क्योंकि इसमें आपको जो डाटा मिल रहा है वो 3 GB मिल रहा है, जो कि आप 100 MB यूज़ कर सकते हैं, 0.1 GB पर डे आप यूज़ कर सकते हैं एंड आपको 500 मिनट मिल रहे हैं और जियो टू जियो फ्री मिल रहा है, तो सही तो है। तो मतलब आप एक महीने के 75 रुपीज़ दे रहे हो तो सही है, इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आपको डाटा तो चाहिए नहीं, तो उन लोगों के लिए ये वाला रिचार्ज बिल्कुल बेस्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि 4G डाटा वाउचर्स भी इन लोगों ने एक ऑप्शन दे रखा है, जो कि यहाँ पे 4G डाटा वाउचर्स का देख सकते हो, आपकी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का यहाँ पे दे रखा है, वही सारे रिचार्ज जो मैंने आपको बताए थे। ISD अगर आपको किसी को करना हो रिचार्ज, तो ISD का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जो कि 50 पैसा पर मिनट दे रखा है इन लोगों ने। एंड यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी कंट्री में फ़ोन करना है, उस हिसाब से यहाँ पे सारे। अभी USA का यहाँ पे दिखा रखा है कि 501 का 28 डेज़ का यहाँ पे प्लान दे रखा है, जो कि 515 का ISD टॉक टाइम आपको देगा एंड यहाँ पे मिनट्स भी दे रखे हैं कि कितने का कैसे कटेगा आपका प्राइस एरिया कोड के हिसाब से, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। इंटरनेशनल रोमिंग्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी हैं, इंटरनेशनल रोमिंग्स आप देख सकते हो। मतलब आप अगर एक साइट पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल रही है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सा रिचार्ज करना चाहिए कौन सा नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। ये तो सारे प्रीपेड मैंने आपको बताए थे, अब मैं पोस्टपेड की बात करती हूँ। अगर आपके पास जियो पोस्टपेड प्लान्स हैं, मतलब सिम है, तो आप कैसे प्लान ले सकते हो, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मेन प्लान जो है वो 199 का है, बिल साइकिल के हिसाब से मिलेगा वैलिडिटी, मतलब जो आपका बिल साइकिल होगा। एंड यहाँ पे 25 GB आपको मिल रहा है, और उसके साथ क्या मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी 25 GB है, देयर आफ्टर रुपीज़ 20 GB आपका लगेगा, 1 GB का 20 रुपीज़ आपके लगेंगे, वो आपका अपने आप ही प्लान करने लगेगा। एंड अनलिमिटेड वही 100 मैसेजेस मिलेंगे आपको पर डे के हिसाब से। एंड यहाँ पे देख सकते हो नोट इन लोगों ने दे रखा है, 100% रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल है, जो ₹99 एप्लीकेबल फॉर जियो प्राइम वालों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी है सारी की सारी, ताकि आपको इससे पूछना ना पड़े। अब ISD वाला भी इसके अंदर भी दे रखा है, तो ISD इसका देख लेते हैं पोस्टपेड में क्या आपको मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप ही कि वही सेम ही है, चाहे आपके पास प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, सेम प्लान्स हैं दोनों के।
इंटरनेशनल रोमिंग भी यहाँ पे दे रखा है, तो वो भी आप देख लो कि वो भी वैसे ही है, सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अगर आपके पास प्रीपेड है तो आप प्रीपेड वाला ऑप्शन चूज़ करो, पोस्टपेड है तो आप पोस्टपेड वाला यूज़ करो, और आप इजीली यहां से रिचार्ज कर सकते हो। बाय का यहां पे ऑप्शन दिया होता है, वहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और अपना रिचार्ज कर लो। आपको कहीं पे शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा हम ले, आप अपने आप से सब कुछ कर सकते हो। तो आई होप कि ये वाली वीडियो मेरी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी रिचार्ज करने के लिए, अगर आपके पास जियो है तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना कर पाए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय।